ग्वालियर में रिटायर्ड एजी ऑफिस कर्मचारी के द्वारा की गई एफडी के रुपए कंपनी के वित्तीय सलाहकार और एक अन्य ने उड़ा लिए। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के सत्यदेव नगर की है। घटना का पता उस समय चला जब पीड़ित की एफडी का समय पूरा हो गया तो उन्हें 18 लाख के बदले सिर्फ 3,55,000 रुपए मिले और उसके बाद अफसर उन्हें तरकाते रहे। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के सत्यदेव नगर निवासी 66 वर्षीय प्रेम बाबू पुत्र कालीचरण राठौर एजी ऑफिस से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में 2 एफडी की थी, जिनमें से एक 12 लाख की और दूसरी 2 लाख रुपए की थी। एफडी वर्ष 2021 में मैच्योर हो रही थी। निश्चित समय पर जब पैसे उनके खाते में नहीं आए तो वह कार्यालय पहुंचे और कंपनी के अफसरों ने बताया कि एक माह में आपका पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। इसके बाद उनके खाते में मात्र 3,55,000 रुपए आए थे और बाकी बचे हुए रुपए नहीं आए। जब उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की तब पुलिस ने इसकी जाँच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कंपनी के वित्तीय सलाहकार तुषार पुंडीर और कपितल बाधवान के खिलाफ मामला दर्ज किया, क्योंकि तुषार पुंडीर ने उसके पैसे फिक्स डिपॉजिट किए थे और जो स्लिप उन्हें मिली थी उस पर कपिल बाधवान के हस्ताक्षर थे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच में जो तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। इस बारे में एडिशनल एसपी राजेश दंडौतिया ने जानकारी दी। ये थाना थाटीपुर के अंतर्गत एक जो रिटायर्ड कर्मचारी है एजी ऑफिस के, इनके द्वारा पूर्व में एफडी कराई गई थी दीवान हाउसिंग कॉरपोरेशन में प्रेम बाबू राठौर जी, और इनके द्वारा एफडी कराने के बाद जब एफडी का मैच्योरिटी का समय आया तो उसके बाद उनके दीवान हाउसिंग कॉरपोरेशन जब उन्होंने संपर्क किया तो इनके द्वारा मैच्योरिटी देने के बाद मना कर दिया और लगातार घुमाते रहे। इस आधार पर थाना थाटीपुर में 424 IP सेक्शन के तहत 2 आरोपियों के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया। कंपनी भी यहाँ की जिसका ऑफिस इंदरगंज में है, तो फिलहाल धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया जाकर इसको इन्वेस्टिगेशन लिया गया है।